दर्ज हुआ, जिसमें बात ये सामने आई कि एक मोटरसाइकिल से एक महिला और एक पुरुष साथ में जा रहे थे और उसको एक सफारी गाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी, जिसमें महिला की तो मौके पर ही मृत्यु हो गई और जो उनके साथ जो पुरुष थे, जो कि उसके भाई थे, उनके अस्पताल में मृत्यु हो गई। मुकदमा दर्ज करने के बाद जब तफ्तीश चालू की गई तो तफ्तीश में कुछ ऐसी चीज़ें खुल के सामने आई जिससे ये साबित हुआ कि ये एक्चुअली एक एक्सीडेंट का मैटर नहीं था, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर का मैटर था। तो घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से हुआ कि जो महिला है वो शादीशुदा थी, लड़की का नाम शालू था, उसकी शादी 2015 में महेश नाम के लड़के के साथ हुई थी और उसके बाद कुछ मैरिटल डिस्कॉर्ड की वजह से वो उससे अलग रहने लग गई थी। अलग रहने के बाद 2019 में 498A का मुकदमा भी दर्ज हुआ। अब पिछले कुछ दिनों से जो उसका पति था, उसने एक सोची समझी साजिश के तहत उसके साथ वापस से नज़दीकियाँ, महिला के साथ वापस से नज़दीकियाँ बढ़ाई। नज़दीकियाँ बढ़ाने के बाद उसने उस महिला का एक इंश्योरेंस कराया। उस इंश्योरेंस से अगर उस महिला की एक्सीडेंट के अंदर मृत्यु होती है तो इस व्यक्ति को 1,90,00,000 रुपए क्लेम के रूप में मिलते हैं। इस साजिश को करने के बाद जब उसने उसका इंश्योरेंस करवा लिया, फिर उसने एक हिस्ट्री शीटर मालवीय नगर का, जो उसका दोस्त था, मुकेश को संपर्क करने के बाद उससे उसको जो कहते हैं फिरौती दी और इन लोगों ने 10,00,000 रुपए में इस प्रकार की घटना को कारित करने का निर्णय लिया। मुकेश ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर फाइनली 5 अक्टूबर को इस घटना को कारित किया। तो हमारी पूरी टीम ने जैसे ही ये घटना, जब मुकदमा दर्ज हुआ, जब डिटेल के अंदर गए तो इस पूरी घटना का पर्दाफाश हुआ। इसमें जो एक कांस्टेबल है दया शंकर, उसकी भी बहुत विशेष भूमिका रही हरमाड़ा थाने से, और हमारी पूरी टीम एसीपी साहब और एसएचओ हरमाड़ा सभी ने एक बहुत अच्छा, एक बहुत सराहनीय रोल प्ले किया और इस तरीके से इस मामले का खुलासा हुआ।